हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में भारतीय किसान संघ की बैठक शुक्रवार को मलकेश्वर मठ में आयोजित की गई। बैठक में किसानों द्वारा बार बार मांग करने और समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। समस्या का समाधान नहीं होने तक जारी रहेगा धरने में मुख्य मांगे जवाई बांध का पुनर्भरण योजना की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए, जो पश्चिमी राजस्थान का मुख्य पेयजल स्रोत भी है, सिंचाई के लिए किसानों का मुख्य संसाधन भी है। जवाई बांध सिंचाई जालौर जिले के क्षेत्र में विस्तार किया जाए, जिसका पूर्व में सर्वे भी हो चुका है। नर्मदा से सिंचाई क्षेत्र का विस्तार किया जाए, उसके लिए सर्वे करवाया जाए। नर्मदा से संचौर चितलवाना तहसील के वंचित गांव को भी नर्मदा कमांड से जोड़ा जाए। माही परियोजना से राजस्थान के हक का पानी लिया जाए और जिले को सिंचाई से जोड़ा जाए। पहाड़ी और वन क्षेत्र में पक्के बांध बनाकर वर्षा जल को रोका जाए और नदी नालों में पानी को रोकने के लिए पक्के चेक डैम बनाए जाएं। साथ ही बिजली की मांगों को लेकर किसानों को शीघ्र सामान उपलब्ध करवाकर कनेक्शन दिया जाए। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत थानियों में गैस कनेक्शन आवेदनकर्ताओं को शीघ्र दिया जाए। किसानों के लिए बिजली के मीटरों की हमेशा से समस्या रहती है, इससे मीटर फ्लैट रेट पर किए जाएं, सहित विभिन्न मांगों की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष मागाराम समाज अध्यक्ष ओमाराम चौधरी और जैवक प्रमुख गणेशा राम, संभाग मंत्री रतन सिंह, कानीवाला जिला उपाध्यक्ष साताराम रंगला, मांगीला लाहौर नरपत सिंह, रवलौत छेल सिंह, मोर सिंह, सांचौर से सवाराम पुरोहित, रानीवाला से राम सिंह मीणा, जसवंतपुरा से नरसाराम मंत्री सहित काफी संख्या में लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मांगे नहीं मानने पर 28 अगस्त 2018 से रेगुलर धरना प्रदर्शन रहेगा। इस दौरान काफी संख्या में किसान ज्ञापन देने आए। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।